welcome to Captain IT Friends. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको कि हम यहाँ पे जो है फर्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की, ठीक है। अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज करके उसको देखिए, ठीक है। उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे की ओर। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इस तरीके से है, हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन है और इनको हम जो है एक एक करके इनका आंसर देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पहले पूछे गए हैं उसके बारे में भी अपने यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे कि मेंडल की अनुवांशिकता का अपवाद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, कि मेंडल की अनुवांशिकता का अपवाद है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रभाविता सी, बी ऑप्शन दे युग्मकों की शुद्धता, सी ऑप्शन दे रखा है सहलग्नता एंड स्वतंत्र विसंयोजन, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है चार ऑप्शंस देखे हैं और इनमें हम देखेंगे कि राइट आंसर कौन सा है, कि मेंडल की अनुवांशिकता का अपवाद। तो राइट आंसर है अपना सहलग्नता, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि एक शुद्ध प्रभावी जनक की समजीवी प्रकृति है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, सारे के सारे जो ऑप्शन है उनको देखना है, ठीक है, उसके बाद में जो है आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक शुद्ध प्रभावी जनक की समजीवी प्रकृति है, ठीक है। शुद्ध वाला पूछा है तो शुद्ध वाला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रभावी कौन सा होगा। देखो ऑप्शन है बी ऑप्शन है कैपिटल बी स्मॉल बी, सी ऑप्शन है स्मॉल बी एंड डी ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो होगा कैपिटल बी, ठीक है। क्या होगा कैपिटल बी, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से शुद्ध है और प्रभावी है, दोनों जो लक्षण है, दोनों जो जीन है वो लंबे हैं, ठीक है, बड़े हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि द्विसंकर परीक्षण क्रॉस अनुपात होगा। द्विसंकर संकरण डायहाइब्रिड क्रॉस जो अपन पढ़ते हैं उसका अनुपात यहाँ पे राइट क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ऑप्शन है 9:3:3:1, ठीक है। देखो 9:3:3:1, नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है वो है 3:1 और सी ऑप्शन है 1:1:1, ठीक है ना, चार बार रेशियो 1:1 है और डी ऑप्शन है 1:1। तो यहाँ पे अपना जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1:1 और 1:1। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं कि फिनोटाइप का अर्थ होता है, मतलब समलक्षणी जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसका अर्थ क्या होता है, मतलब किसके आधार पे हम जो है उसको समलक्षणी या फिर जीनोटाइप बताता है, ठीक है ना, जीन प्रारूप बताता है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है संतति की बाह्य संरचना को हम समलक्षणी कहते हैं, या फिर आंतरिक संरचना को, संतति की आंतरिक संरचना को समलक्षणी कहते हैं, या फिर संतति की जीनी संरचना को समलक्षणी कहते हैं, या फिर संतति की गुणसूत्रों की संरचना को समलक्षणी कहते हैं। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो है संतति की बाह्य संरचना को क्या कहते हैं अपन, समलक्षणी या फेनोटाइप अनुपात कहते हैं, ठीक है। या किसी भी संतति की बाह्य संरचना से हम कहते हैं कि इसका ये जीनोटाइप ये फिनोटाइप ये है, ठीक है, जीनोटाइप अलग आएगा, उसमें जीनी संरचना को अपन देखेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में जिस लक्षण का प्रयोग, मतलब जिस लक्षण का उपयोग किया गया था वह है, ठीक है। मेंडल द्वारा जब अपना प्रयोग किया गया था उसमें किन किन लक्षणों को प्रयोग में लिया गया था। देखो ऑप्शन है यहाँ पे पादप की लंबाई, बी ऑप्शन है बीज का रंग, सी ऑप्शन है बीज चोल सतह, ठीक है, डी ऑप्शन है फली की लंबाई। तो अपना जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा पादप की लंबाई जो है इन्होंने प्रयोग उपयोग में ली थी, ठीक है, अपने प्रयोग करने के लिए पादप की लंबाई को इन्होंने जो है मुख्य आधार माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि F1PD तथा इसके किसी भी जनक के मध्य किया गया क्रॉस कहलाता है। F1PD का किसी भी जनक के मध्य अगर जब हम क्रॉस करवाएंगे तो वो कौन सा क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन है परीक्षण क्रॉस, बी ऑप्शन है पूर्वज संकर क्रॉस, पारस्परिक क्रॉस है, ठीक है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है आउट क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है
वो है एफ वन पीढ़ी तथा इसके किसी भी जनक के मध्य, मतलब एफ वन पीढ़ी का किसी भी एक जनक के मध्य या तो प्रभावी या अप्रभावी के मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वज संकर क्रॉस, ठीक है, पूर्वज संकर क्रॉस अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं कि आनुवांशिक के गुणों का पुनर्संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है। पुनर्संयोजन यहाँ पे मेन वर्ड है तो आपको ध्यान होना चाहिए पुनर्संयोजन मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, आनुवांशिक के गुणों का पुनर्संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, या सूत्री विभाजन के फलस्वरूप, या निषेचन के बाद, या फिर सूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रही है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन वो भी है जो पहले आए हुए हैं, ठीक है, और अभी भी बहुत ज्यादा आने की संभावना है, और जेट वाला जो है, जेट आईसीआर वगैरह जो भी एग्जाम करवाते हैं वो करते क्या है कि पिछले साल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको किसी तरीके से अलग से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाता है और हम जो है क्वेश्चन कर नहीं पाते, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे घुमा घुमा के लिखा गया है, तो आपको अच्छे से देखना है और शायद तैयारी जो है परफेक्ट रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करने वाले थे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आनुवांशिकी की भौतिक इकाई क्या है, ठीक है, जो फिजिकल यूनिट है वो क्या है आनुवांशिकी की। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है केंद्रक, बी ऑप्शन दे रखा है केंद्रिका, एंड सी ऑप्शन दे रखा है गुणसूत्र, और डी ऑप्शन दे रखा है डीएनए, ठीक है। तो आनुवांशिकी की भौतिक इकाई क्या है, यहाँ पे फिजिकल यूनिट क्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब गुणसूत्र, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे कि किसी एक लक्षण में भिन्न दो जीवों के क्रॉस से प्राप्त संतति कहलाती है, मतलब कोई भी एक लक्षण है उसका किसी भी भिन्न दो जीवों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं तो कौन सी संतति जो है प्राप्त होती है और वो क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्परिवर्तित संतति, भी दे रखा है विनिमय युक्त संतति, या शुद्ध जाति संतति, या फिर संकर संतति, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 9 का वो राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे डी है और वो है संकर संतति कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है वह जीव जिसमें एक विशेष लक्षण के दोनों कारक समान प्रकार के होते हैं वह है क्या है, देखो विषमयुग्मजीव है या फिर प्रभावी है या फिर अप्रभावी है या फिर समयुग्मजीव है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि वह जीव जिसमें एक विशेष लक्षण के दोनों कारक समान प्रकार के होते हैं उन्हें हम कहते हैं समयुग्मजीव, ठीक है ना, क्या कहते हैं समयुग्मजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेंडल ने जिस सिद्धांत का कारण नहीं किया है वह है, ऑप्शन है ए युग्मकों की शुद्धता, प्रभाविता, सहलग्नता, स्वतंत्र, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कि सिद्धांत पर कार्य नहीं किया है तो वो होगा सहलग्नता, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जो मेंडल का अपवाद है वो क्या है, सहलग्नता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष किस वर्ष में प्रकाशित हुए, ठीक है। यहाँ पे सन बता रहा है अपने को वो है, देखो ऑप्शन नंबर ये दे रखा है 1865 में, 1900 में, ऑप्शन सी दे रखा है 1822 में, या ऑप्शन डी दे रखा है 1866 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उनके जो निष्कर्ष थे वो किस सन में प्रकाशित हुए थे और किस पुस्तक में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1866 में जो है ये निष्कर्ष प्रकाशित हुए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि डी संकर क्रॉस की एप्टोपेडी में फिनोटाइप प्रकार होंगे, ठीक है, जो डी संकर क्रॉस है उसकी एप्टोपेडी में फिनोटाइप के कितने प्रकार होंगे, ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 8 या 16, ठीक है, कितने होंगे। देखो यहाँ पे एप्टोपेडी में फिनोटाइप का जो प्रकार होंगे वो होंगे 4 प्रकार के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होंगे। एक क्वेश्चन और बनता है इसी तरीके से कि द्विसंकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में या F1 संतति में या F1 प्रकार में नर व मादा के प्रकार होंगे, नर व मादा के प्रकार होंगे तो वो भी राइट आंसर होगा आपका 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो है द्विसंकर क्रॉस की F2 संतति में समजीनी मतलब जीनोटाइप प्रकार होंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है द्विसंकर क्रॉस की F2 संतति में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो F2 संतति में समजीनी अनुपात बोल रहे हो ना कि फिनोटाइप मतलब समलक्षणी,
समलक्षणी अनुपात तो हमने चार प्राप्त किए थे, लेकिन अगर हम जीनी मतलब जीनों के बारे में अगर जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें कितने प्रकार होंगे, नौ प्रकार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसका आंसर आप सभी लोगों को पहले की तरह आज भी देना है, ठीक है, कमेंट के कमेंट बॉक्स में। और वो है अमीबा अमर होता है क्योंकि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप आपको जो इसका आंसर जरूर जरूर देना है, ठीक है, देने की कोशिश करना है। उसके ऑप्शन देखते हैं, हमारे ऑप्शन नंबर ए है कि इसमें जनन सबसे सरल विधि द्वारा होता है, क्या ये राइट है देखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें पुनः यौवन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिकूल वातावरण में ये पुट्टी मौन करता है, ठीक है, क्या ये राइट हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सारे के सारे, और हमने देखे हैं अच्छे तरीके से, आपको लगा होगा कि हाँ यार कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और पिछली कक्षाओं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और फ्रेंड्स जो है मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो उसके जो चार ऑप्शन होते हैं, हमारी तैयारी किस तरीके से बेस्ट हो सकती है वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि जो चार ऑप्शंस होते हैं उन सभी चार ऑप्शंस का हमें कोई ना कोई एक तथ्य पता होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई एक मुख्य चीज पता होना चाहिए कि जो जैसे कि प्रभाविता है, प्रभाविता का कोई एक चीज, ठीक है, या तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, या इसको किसने बताया था, या इसका कोई भी एक चीज जो है हमें अगर पता है, चार ऑप्शंस के बारे में कोई भी एक चीज अगर हमें पता है, तो समझ लेना कि तैयारी जो है बहुत ही खतरनाक और हार्ड वाली है, ठीक है, उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है कोई भी नहीं रोकने वाला है, आप नॉर्मल जो है तरीके से सिलेक्शन ले पाओगे अच्छे तरीके से किसी भी टाइप का जो है एग्जाम हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमारे पास जो है टाइम कम है, इसीलिए हम जो टॉपिक है उनको एक तरीके से कंटिन्यू एक एक करके जो है इसके क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे सारे कंप्लीट करते चल रहे हैं,